माइनस थीटा कॉस थीटा ये सब कुछ तुमको ध्यान में रखना होगा आइडेंटिटीज के क्वेश्चन बनाने के लिए। हम एक बार फिर से रिकैप कर दे रहे हैं सारा का सारा। तो देखो इसको हम अब यहाँ पे पी वाई बी मत कोई बोलना, पी वाई एच। तो साइन थीटा को हम वन बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, बताओ ये सब याद है ना सबको। और उसी तरीके से कॉस एक्स थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाय साइन। ऐसा ऐसा मैंने कॉस में भी लिखवाया था, तो कॉस थीटा को वन बाय सेक थीटा, सेक थीटा को वन बाय कॉस थीटा, ये सारा रिलेशन तुमको याद रखना है। और एक लास्टली कौन बच गया, टैन थीटा इक्वल्स टू वन बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू वन बाय टैन थीटा। अब यहीं से देखो, अब तुमको कहीं दिखेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कितना लिखोगे, वन। उसी तरीके से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना जाएगा, वन। और यहां से कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, ये कितना जाएगा, वन। तो ये सारा रिलेशन याद रखना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा तुमने कुछ और जाना था, वो था जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाता था, टेन थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कितना देता था, कॉट थीटा। तो इन सारे रिलेशन को तो ध्यान रखना ही है, प्लस कुछ और भी आइडेंटिटीज है, इसको याद कर लोगे आज से। जैसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, वन होता है। कैसे प्रूफ करेंगे ये बता दे, आसान है। देखो एक चीज याद रखना, मैक्सिमम जगह पे ट्रिग्नोमेट्री हम बता रखे थे शुरू क्लास में ही कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल होता है, बाकी कहीं और के लिए एप्लीकेबल होता है तो वो एक कोसाइन वगैरह कुछ आता है, वो सब चीज में हम तुम लोग को बता देंगे। बट अभी इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा कुछ 90 राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जैसे एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर हो जाएगा ना। कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब यहां से ए सी स्क्वायर एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या देगा इस ट्रायंगल में, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये वन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है, वन आता है, इसको याद रखना। अब इससे तुम्हारे 6-7 रिलेशन और भी बहुत सारे निकल के आते हैं, वो सबको भी ऐसे ही प्रूफ किया जाता है। तो पहला हमने क्या जाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा रिलेशन कोई बताओ, कोई भी, सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। sec स्क्वायर थीटा माइनस, कैसे ये निकल करके आया पता है, याद कर गई सेम से सर निकल जाएगा, नहीं नहीं ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वन, कैसे इसको प्रूविंग हम नहीं चाह रहे, हमको ये रिलेशन निकल करके कैसे आया कोई बताएगा, वो तो याद कर लिया हाँ ये होता है लेकिन आया कैसे था। तो देखो तुमको आइडेंटिटीज में एक चीज याद रखना, जितने भी क्वेश्चन मिले कितने भी तरीके का, मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको सारे क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको सबको साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में लेकर के आना है, चाहे इक्वेशन टेन के फॉर्म में है तो उसको साइन के टर्म में ले आओ, कॉस के टर्म में ले आओ। तो जैसे रिलेशन एक यही था, इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन निकला नहीं था, किया क्या गया, इसी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया गया। क्या किया गया, ये जो इक्वेशन आया था ना, इसको साइन स्क्वायर थीटा से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू
वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो तो ये वन हो जाएगा, कॉसेक वाला है। हाँ अच्छा कॉसेक वाला है, ठीक है तो ये वन हो जाएगा। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता था, अभी जस्ट लिखा है कॉस बाई साइन कॉट थीटा। हाँ और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और वन बाई साइन क्या होता था तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक ये रिलेशन तुमने जाना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, दूसरा इसको याद कर लो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से बहुत सारा निकल के आएगा, तो क्या क्या आएगा बताओ, तो एक आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना वन, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू कितना दे देगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो तुमको ये सारा रिलेशन याद होना चाहिए। अब इसके बाद क्या किए, इसी पहले वाले इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अभी क्या किए थे, पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे, अब क्या कर दो पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वन, और वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से फिर और भी रिलेशन निकल के आ जाएंगे, ये तुम्हारा तीसरा निकला। और इसका क्या क्या और क्या क्या निकाल सकते हो इसमें बताओ तो कोई, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना दे देगा माइनस वन दे देगा। और अब यहां से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो वो कितना होगा बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। हाँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ये कितना देता है हमें टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सर इतना याद कैसे करेंगे, तुम तीन याद रखो ना जो इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना, बस जो तीन मैंने लिखाया है, बाकी तो ये तीन याद रहेगा तो तुमको खुद दिखेगा कि हाँ इसको इधर भेजो। कुछ लिख रहा है बहुत कुछ, कहाँ तक तुम्हारा दिख रहा है डिस्प्ले में, आया सबको समझ में, किसी को डाउट है तो पूछो। तुम अभी ये तीन याद करो ना, ये वाला ये और जो सबसे पहला था ये, तुमको ये तीन याद रहेगा तो बाकी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, तुमको सारा नहीं याद करना है। हाँ और क्वेश्चन बनाते बनाते तुमको खुद भी याद हो जाएगा, उसका टेंशन ना लो। ठीक है कोई किसी को दिक्कत इस आइडेंटिटीज में तो पूछो। सर हम लिख नहीं पाया, फिर से दिखा सकते हैं क्या, लो देखो किसी को डाउट होगा तो पूछो। नहीं है तो एक रिलेशन और है इसको ध्यान में रखना, लेकिन इसका हम प्रूफ भी करवा देंगे। एक दो रिलेशन और बच गया है जो बहुत डायरेक्टली अगर याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, हम लिखवा देते हैं फटाफट। तीन हो गया ना, दो और रह गया, लिखवा दे रहा हूं मैं। ऐसे बोलने का तो तुमने सीखा एक दो तीन तीन छह तीन नौ, बट अभी इसको तीन की तरह याद करो। नौ सीखे, कितना सीखे जी, दो चार छह तीन नौ, नौ 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 आइडेंटिटीज तुम लोग जाने हो अभी, बट इसमें से जो तीन है वो इम्पोर्टेंट है, उन सबको याद रखना। आगे बढ़े, लिख ली स्मृति, लिख ली yes, sir. चलो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा एक दो रिलेशन और है वो याद रखना तो अच्छी बात रहेगा, कि बताएगा इसका वैल्यू क्या होता है sec थीटा प्लस tan थीटा। और पांचवा cosec थीटा प्लस cot थीटा, बताओ कोई वन प्लस साइन बाई कॉस थीटा फोर्थ का, और वन प्लस साइन बाई कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा सर, वन प्लस साइन थीटा वो पूरा बाई कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। बढ़िया, आसान था, इसमें कुछ थोड़ी करना था, सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया ही ना। इसको ऐसे याद रखना आज के बाद से,
साइन कॉस में चेंज, क्या कॉस से डिवाइड की पूरे को? हिमांगी क्या सर? कॉस से डिवाइड कर दी क्या पूरे को, है ना? नहीं सर, sec क्या थीटा किया? वन बाई कॉस होता है, tan थीटा साइन। अच्छा साइन बाई कॉस होता है, ठीक है। तो ये ठीक है, बट एक ये रिलेशन याद रखना, ये तो तुमने इसको चेंज किया, एक होता है आइडेंटिटीज इसका जो कि होता है वन डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, और इसका होता है वन डिवाइडेड बाय, हम प्रूफ करवाएंगे इसका आगे क्वेश्चन में ही, इसका हम प्रूफ करवा देंगे, cosec थीटा माइनस cot थीटा होता है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया सब? लिख लिए? यस सर। चलिए ठीक है, तो इतने सारे रिलेशन को याद रखें, और आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सिंपल बनाने का तरीका क्या, कहीं भी तुमको अगर साइन और कॉस के अलावा कुछ भी दिख रहा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या किया जाता है, साइन और कॉस में, अगर साइन के अलावा और कॉस के अलावा कुछ भी रहेगा तो बस तुमको क्या करना है, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, कहीं भी टेन थीटा दिख जाए, कॉट थीटा दिखे, कॉसेक दिखे, सेक दिखे, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, इसलिए किया जाता है ना कि तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग करने, मतलब तुमको ज्यादा आइडेंटिटीज नहीं, एक आइडेंटिटीज का यूज करके तुम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे कंडीशन आ जाता है, कहीं कहीं पे चेंज नहीं करना होता है, जैसे तुमको LHS में भी 10 रखना है और RHS में भी 10 के ही टर्म में आंसर लाना है, उस केस में हम नहीं चेंज करते हैं, ऐसे मैक्सिमम टाइम क्या किया जाता है, इसको चेंज करना ही अच्छा समझा जाता है, चेंज करते जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से बनता चला जाता है। तो दे क्वेश्चन इस पे, और ये एक चीज जान लो, इस पे हम तुम्हारा कुछ हेल्प नहीं कर सकते इस चैप्टर में, इस पोर्शन में हम बस तरीका बता देंगे कि क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करना होता है, बाकी तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड है, बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे बनाने को, मे भी कोई बने कोई ना बने, तो उसमें ज्यादा ये हेडेक, ये नहीं क्या बोलते उसको, टेंशन में नहीं आ जाना है कि हाँ मेरे से नहीं बन रहा आइडेंटिटीज, वक्त लगेगा इस पे, डेफिनेटली वक्त लगेगा, जो एक बार में बना जा रहा है तब तो फिर गॉड गिफ्टेड हो तुम लोग, अच्छी बात है, या फिर मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो बहुत सही बात है, लेकिन अगर जिससे नहीं बनता है उसको टेंशन नहीं लेना है एकदम नहीं, वो बस जो प्रोसेस हम बताए हैं, चेंज करना, दिमाग लगाना, कभी कभी LHS और RHS दोनों तरफ तुमको सॉल्व करना पड़ सकता है, कभी कभी सिर्फ LHS को सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, तो उसको आराम आराम से डेली डेली पांच पांच क्वेश्चन बनाना, ज्यादा मत, डेली पांच पांच क्वेश्चन बनाते रहना बनाते रहना बनाते रहना, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन का जैसे हम तरीका बताएंगे, कहीं भी तुम्हारे रूट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है बताओ, कोई कहीं भी ऐसा दिख गया कि रूट अंडर ऊपर रेशनलाइज करना है, तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कहीं भी ऐसा रूट में दिख गया क्वेश्चन तो सिंपली क्या करोगे, उसको रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज तुम लोग पढ़ रखे हो, ठीक है। तो ये एक ट्रिक था क्वेश्चन सॉल्व कराने का, लेकिन एनसीईआरटी सबसे प्रायोरिटी तुम्हारा आइडेंटिटीज में एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर जाना,
हम उसके क्वेश्चन को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, बना करके खुद से आना। हाँ आप देखो इसमें एनसीईआरटी में एक दो अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है। कितने लोग बना गए 8.4 एनसीईआरटी का? हम 8.3 तक बोले थे बना के लाने, बट 8.4 कितना लोग मतलब अभी अपने मन से बना के बैठा है? एक अध्याय बना ली पूरा 8.4? बोले तो सर हम बना लिए एनसीईआरटी। भरोसा ही नहीं हो रहा है ना, दिक्कत ये है। हिमांगी नहीं बनाई है पूरा? सर हम एनसीईआरटी नहीं बनाए, आरएस अग्रवाल बनाए। वो एक अच्छे से कॉपी में पूरा एक्सरसाइज बना जाना। मयंक तुम्हारे लिए तो ये पहली बार है क्या आइडेंटिटीज? यस सर। अंशुल तुम भी पहली बार पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर, शायद पिछले साल पढ़े थे एक बार। अच्छा नहीं, उस टाइम भी हम आइडेंटिटीज हल्के पढ़ा करके छोड़े थे कि इसको। हाँ ठीक है, तो एनसीईआरटी का 8.4 सबके लिए ये नेसेसरी है, और अच्छे से बना के रख लेना इसको, क्योंकि इसमें बहुत ही सही सही क्वेश्चन दे रखा है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा अच्छा इसमें है, तो 8.4 तो तुम्हारा प्रायोरिटी होगा एनसीईआरटी का। ये करके आना, अगली क्लास में हम एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। आज हम एक या दो, कितना इस पे हम क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ही को ज्यादा कराना है या खुद करोगे बताओ? तुम लोग जैसा बोलो। एक क्लास तो हम और क्वेश्चन कराएंगे इस पे, और भी क्लास करा दे इस पे क्वेश्चन। यस सर। और क्वेश्चन भर भर के कितना क्वेश्चन बनाया? यस हाँ बोलो सर। आप अलग अलग टाइप का बता दीजिए, हम लोग बना लेंगे और प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेंगे। हाँ हम वही करेंगे, मतलब क्वेश्चन तो पहले एनसीईआरटी, लेकिन मेरा प्रायोरिटी रहेगा इस टॉपिक के लिए, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसको दो बार तीन बार बना जाएगी ना वो एक्सरसाइज, तो फिर वो क्वेश्चन ही याद हो जाएगा तुमको। ठीक है सर। हाँ बोलो सर। कुछ कुछ आइडेंटिटीज का क्वेश्चन होता है, मतलब हाँ? उसमें दिमाग ही नहीं क्लिक करता है कि मतलब ब्लैंक हो जाता है कि क्या करें नहीं करें। ब्लैंक करने का कुछ नहीं है, कुछ भी दिखे ना उसको ये करो, साइन कॉस में चेंज करो ना, तुम बनाओ ना उसको, जो भी उसमें दिमाग लगा सकती है, कॉस से डिवाइड कर दिए, साइन से डिवाइड कर दिए, जो भी दिमाग काम करे वो कर दिया करो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है देखना, करके देखना बन जाएगा। शुरू में टाइम लगता है, नो डाउट टाइम लगता है, मुझे खुद भी इसमें इसको करने में टाइम लगा था, पहले तो इंटरेस्ट ही हट गया था इससे मेरा, लेकिन फिर बनाते बनाते मजा आ गया था। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, करते चलो इस पे, आराम से बनाते चलना। जैसे कि पहले एकदम बेसिक सा दे क्वेश्चन एक, जैसे देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा इस तरीके से, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बताओ तो कितना होगा? आई थिंक cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये देखो 1 आना चाहिए, 1 के बराबर प्रूफ करो। सर आ गया। आ गया, क्या करना था? तो जो cos है उसको एज इज मल्टीप्लाई कर दी। यस सर। वो भी करेंगे तो चलेगा, कोई नहीं। ठीक है, बट ये ध्यान रखना सबको ऐसे ही छोड़ो कॉस के टर्म में, बाकी जो भी आ रखा है उसको साइन में या कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करना, उससे भी बन सकता था, मल्टीप्लिकेशन से भी, तो देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करना आई थिंक ज्यादा इजी हो जाएगा, तो फिर बढ़िया बात है, या फिर चेंज कर लो, जैसे टेन स्क्वायर थीटा है ये लंबा चला जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेना सबको। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, पहले ये देखो तो आइडेंटिटीज होता है क्या कोई, पहले देख के बताओ तुम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटीज होता है क्या? सर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, तो इसमें तो sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसमें तो कुछ नहीं करना था, थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना, चेक कर लेना एक बार कि ये कोई आइडेंटिटीज पे है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर अपना सोचते रहना। तो यार cos थीटा और इंटू sec थीटा हम लिखवाए थे 1, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा ये भी कितना होगा, 1 होगा। हाँ एक लिखने का तरीका होता है जो कि हम इस क्वेश्चन में तुमको बताएंगे कैसे इसको एग्जाम में अपने कॉपी में शो करोगे, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin थीटा प्लस
इसको नीचे लिख दे रहे हैं। करो तो इसमें सर बन गया, सर बन गया। कैसे बना ले रहा है इतना जल्दी, क्वेश्चन देते ही बन गया क्या? हाँ सर बना लिए। चलो सर, हम अगर हम बोले कि हम ये बना चुके हैं तो ओके। अब इसमें क्या करेंगे तो सोचना था थोड़ा। अब तुमको इधर पहले से ही साइन के टर्म में क्वेश्चन दिख रहा है तो क्या करोगे इसमें? थोड़ी ना इसको कॉस और सेक में चेंज करने जाएंगे, इसको एज यूजुअल छोड़ेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे और फिर क्या बोल गई पता ही नहीं चला सर। इधर 1 प्लस साइन थीटा और उधर 1 माइनस साइन थीटा है, तो सर ये a प्लस बी इन ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सर नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, तो 2 बाई कॉस थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। तो देखो कैसे सर ये साइन स्क्वायर थीटा होगा ना नीचे ना कहां सर यहां पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे नहीं क्वेश्चन सही है। देखो एग्जाम में कैसे इसको अपने कॉपी में लिख करके दिखाओगे तो तुमको ऐसा लिखाना होगा LHS equals to this one, ठीक है? और हर एक लाइन में फिर इसका साइन हमेशा लगाना implies that का, नहीं तो नंबर काट लेता है। कोई भी क्वाड्रेटिक अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाना ना आपसे तो हम एपी में हम ये आदत हम मेरा भी ध्यान में नहीं था implies that इसका साइन लगाने का, तो इस साइन को हमेशा सिंबल को हमेशा यूज करना, नहीं तो पता नहीं कोई भी मास्टर मिल गया चेक करने वाला नंबर कहीं काट ना दे अगर साइन सिंबल नहीं रहा तो। ये सब का ध्यान में रखना। तो LHS इक्वल्स टू इतना इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब तुमको दो चीज, अब देखो फिर से एक चीज तुमने देखा कि एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुमको पता होना चाहिए, साथ ही साथ कहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दिख जाएगा इसका एकदम बारीकी से तुम लोग नजर रखोगे। जैसे अब यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी का आइडेंटिटीज, तो अब ये चीज भी तुमको पकड़ में आना चाहिए। तो फिर उसके बाद तो यहाँ तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 by cos स्क्वायर थीटा कितना sec स्क्वायर थीटा। तो ये LHS equals to और यहाँ equals to RHS लिख देना। पहले पढ़ा LHS RHS क्या है मतलब ये क्यों लिखेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड सर वो हम जानते हैं, मतलब इतना क्यों लिखेंगे? लिखना पड़ेगा बच्ची नहीं तो नंबर काट लेते हैं बोर्ड में। हम क्या बोले रूल अजीबोगजीब रूल है बोर्ड का ये, तो हम इस चीज को इग्नोर किया कर देते implies that का साइन। बट कल हम पढ़ रहे थे ऐसे ही कुछ कुछ आर्टिकल्स तो उसमें ये चीज दिखा कि ना अगर ऐसा छोड़ रहे हैं तो कभी कभी नंबर तुम्हारा काट लिया भी जा सकता है। कोई सन की मास्टर मिल गया चेक करने तो क्या होगा बताओ? जैसे मेरे परसों खुन्नस था, हम तुम्हारे ऊपर निकाल दिए तुम लोग के बैच के ऊपर, तो उसी तरीके से किसी कहीं का खुन्नस तुम्हारे कॉपी में निकल गया तो क्या करेगा? और इसको तुम चैलेंज करेगी ना तो टीचर बोलेगा कि इसका नंबर मिलता है, हम नंबर काटे हैं और वो सही जगह पे नंबर काट रहा है, फालतू जगह पे नहीं काट रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है समझी? हाँ खुन्नस कहीं भी निकल सकता है देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड नंबर। चलो आइडिया लगा कुछ रिद्धिमा बताओ सर कि बाउंस मारा सर थोड़ा समझ तो आ गया।
हाँ ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, ये चैप्टर मेरा कुछ नहीं है इस चैप्टर में लेना देना, हम बस क्वेश्चन का टाइप्स करवा देंगे, जैसे इसको सॉल्व करो, बहुत आसान आसान, कितना आसान करा है तुम लोग को, cot थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो क्या करोगे, साइन कॉस में चेंज करना है LHS को, RHS को एज यूजुअल छोड़ना है अभी, ठीक है, अगर नीड होगा RHS को सॉल्व करने का तो किया जाएगा, बट पहले LHS को साइन कॉस में चेंज करो, करो दिमाग लगाओ, सोचो आराम से बनाओ, कराएंगे दो दिन क्वेश्चन कराएंगे तुम लोग को दम भर, एक क्लास और है ना इस वीक में मेरा, तो हम करवा देंगे और भी क्वेश्चन। सर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या मल्टीप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड LHS और RHS दोनों का वैल्यू 1 बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा है, उससे तुम कुछ भी ला सकती है, हम सिर्फ इसी को इस टर्म में चेंज कर सकते हैं, तुम्हारा बस कैसे भी साइन LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, मेथड कोई फिक्स नहीं है आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को बनाने का, हम वो चीज ना ला करके इसको उस टर्म में ले आए, तो तुम्हारा अगर LHS RHS इक्वल आ जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मेथड सही होना चाहिए, जैसे तैसे आखिरी में ये नहीं कि LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड लिख दिया और बीच में कुछ भी रामायण कहानी लिख दी, वो वाला काम नहीं ना कि हाँ नहीं सर। अच्छा तब सही है, बस मेथड सही होना चाहिए, जो आइडेंटिटीज तुम यूज की हो वो हर कुछ सही होना चाहिए, एक बार उस चीज को मिला लिया करना, ठीक है, तुम क्या की बताओ, देखते तुम्हारे में से सर बन गया। ओके तुम क्या करी, तुम क्या लाई, ये इसको RHS के इक्वल ले आई क्या? हाँ। अच्छा ठीक है चलो, तो वो तो सब कोई करो, तुम बताओ हिमांगी क्या की थी सर, LHS को सॉल्व किए फिर RHS भी सॉल्व करने पर सेम आ गया मेरा दोनों। अच्छा दोनों सॉल्व कर दी। हाँ सर। ठीक है तो इसको क्या लिखी, cos थीटा / sin थीटा है ना, और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो अब ये क्या दे देगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब यहां से क्या करना था बताओ सर, cos स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस cos स्क्वायर थीटा कर दिए। हाँ चलो ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग, अब तो फिर कर लोगे सर, ये चीज डिनोमिनेटर में किया जाता है ना, क्या मतलब ये जो चेंजिंग वाला था, और सर RS अग्रवाल में भी एक क्वेश्चन था 27 हाँ। का 2 पापा बता रहे थे, वो पिछले साल बोर्ड में आया था सर। अच्छा। वो वाला नहीं बन रहा था तो शायद उसमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू से उसको डिवाइड करना पड़ा था हर टर्म को। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन बताओ। वो सर याद नहीं है, बाद में बता देंगे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन भेज देना, कर लोगे, ये बनेगा सबसे, बताओ बोलो बोलो। अभी साइन स्क्वायर को चेंज कर लेना यहाँ से, बन जाएगा ये, फिर जवाब दो भाई, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, आगे बढ़िए, नहीं बोलता है तो मुझे लगता है पता नहीं समझ में आया या नहीं आया। ठीक है यहाँ पे क्या कर लेना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेना, या कॉस जो भी मन करे, जिसको चेंज करना हो तुमको, तुम्हारे ऊपर है, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दे, बताओ, बताना नहीं है ना रिद्धिमा, हो जाएगा, आया था या नहीं आया था तेरा? सर बन जाएगा, अभी बाकियों के चक्कर में मत पड़, तेरा बन रहा है या नहीं बना ऑनेस्टली बता, सबके लिए हम बैठे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। चलो
अब नहीं बोलेगी तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। एक क्वेश्चन इसी तरीके का और करो तू लोग फिर। जैसे इसमें क्या प्रूफ करना था, टू कॉस लाना था क्या आरएचएस में? हाँ, यहाँ जैसे टू कॉस लाना है। अब हम सिमिलरली इसी तरीके का क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें कॉस के जगह साइन लाना होगा। देखो लिखो क्वेश्चन, यहाँ पे कॉट थीटा माइनस टेन थीटा था ना क्वेश्चन, बताना तो क्या था? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको बस उलट दो, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा कर लो और इसको प्रूफ कर लो कॉस के जगह पे साइन लगा के। तो एक क्वेश्चन ये भी तुमसे पूछा जा सकता है, और डिवाइडेड बाय नीचे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब बन जाएगा ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था पहले जैसा, ठीक है सर? बन गया। क्या स्पीड है यार तू लोग का, मतलब क्या बताया जाए, सही है। बाकी लोग जवाब ही नहीं देता है, सिर्फ तू बोलते रहती है कि मांगी सर बन गया। बाकी लोग खाना नहीं मिलता है क्या? स्मृति, अंशुल, स्वयं, सानिध्य, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। स्वयं, मयंक भी कुछ नहीं। हाँ बोलो। कुछ नहीं। अबे नालायक, बहुत मारेंगे ऐसे बोलेगा तो। हाँ या ना में जवाब दे दिया करे यार, कोई नहीं जवाब दे रहा है, सिर्फ हिमांगी रेगुलर बोल रही है और अध्या बोल रही है, और पता नहीं सबको क्या हो गया। नहीं बन रहा है तो बोलो सर नहीं बन रहा है, रुला देता है। बोला ही बन जा रहा है, आगे बढ़िए। अच्छा बोला था? हाँ नहीं, तूने एक बार ये बोला था, बस एक ही बार बोला, ज्यादा बोला नहीं। बाकी लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मुझे डाउट हो जाता है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप भाव। अच्छा ऐसा बात है, कोई बात नहीं, बताते हैं। बोल अब अगली बार से तू ये क्वेश्चन कर, अब इसका आंसर तू ही पहले बोलेगा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। मयंक बताओ, बन रहा है? हाँ सर। ओके लिख लिया क्वेश्चन, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू वन लाना। सर बन गया। बोलने खत्म, मेरा बोलना होता नहीं है, इसका आंसर आ जाता है। तो आपको अगर लग रहा है कि हम, अरे हम बता देंगे कैसे हुआ। नहीं नहीं ठीक है सर, बन गया। सरकास्टिक टोन में नहीं बोल रहे, अच्छी बात है। हाँ चलो बहुत सही, बाकी लोग बनाओ और जवाब दो। हाँ सर बन गया, नहीं भी बन रहा है तो बोल दो हाँ सर बन गया, हमको तसल्ली मिलेगा एटलीस्ट। अरे गजब क्या है, बाकी का आंसर। अंशुल तुम नहीं कुछ बोल रहा है भाई? बना रहे फाइव नंबर, मतलब बन रहा है ना क्वेश्चन। और कौन है? प्रवीण तुम भी चुप्पी साथ रखा है एकदम। प्रवीण सर ये वाला है वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, तो सर ये ए माइनस बी और बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। इन दोनों में भी वही है, और यहाँ क्या हो जाएगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना? यस सर। अब आगे क्या करोगे बताओ? अब देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ होता होगा, आइडेंटिटीज देखो जाके। यस सर। होता है, क्या होता है बताओ? होता होगा कॉस स्क्वायर, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन, ये कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना आता है? वन। वन। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम लोग पूछेंगे। अब अच्छा लगा सबको जवाब दिया, तो जवाब देते रहो हाँ या ना, ना बने तो भी हाँ सर बन गया। अब बन गया तब तो हाँ सर बढ़िया। चलिए अब रूट वाला एक क्वेश्चन देते हैं। अब रूट का कहीं भी क्वेश्चन दिखेगा ना जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा, उसमें तुमको कुछ करना नहीं है, रेशनलाइजेशन करना है, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होगा। हम दो तरीके का रूट का क्वेश्चन करवाएंगे, एक में सिर्फ न्यूमरेटर रहेगा और एक में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों दिखेगा तुमको। जैसे ये एक में देखें कि जिसमें रूट होता है तो उसको बोथ साइड, क्या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाता है। हाँ जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ न्यूमरेटर में तुम्हारा रूट दे रखा है, इसको प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है? तो इसको करो।
इस केस में तुमको क्या करना होगा, बिना स्क्वायरिंग किए नहीं बना सकती हो, चेंज कर लो ना sec और cosec को, चेंज करो, देखो बिना स्क्वायरिंग किए ये बन जाएगा, या स्क्वायरिंग करना है तो स्क्वायरिंग करो, तुम्हारे ऊपर है। अल्टीमेटली तुमको LHS RHS इक्वल लाना है विथ सही प्रोसेस के साथ। बना तो बताना। बना रहे। ओ भाई साहब, बोला सा नहीं दे साल तक, आखिरकार कहाँ था जी इतने देर से? यहीं पर थे सर। अच्छा, सर बन गया। बन गया, बढ़िया। क्या किया तुम बताओ? सर मैं कुछ स्क्वायर और नहीं किया, सीधा सॉल्व करते गया। अच्छा, सेक को चेंज कर लिए क्या? हाँ, इधर भी चेंज कर दिया, उधर भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो LHS। हाँ जी रिद्धिमा। सर बन गया। अद्या, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो देखो LHS इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस। अच्छा एक चीज तुम लोग देख करके आना, कहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, कहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन, ये आज तुम लोग के लिए होमवर्क। सर ये मेरे को पता है, बाकी को पता करके आने दो, बाकी लोग सब बस ठीक है। तो इस केस में बनाओ कैसे बनेगा, तो sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ। अब देखो दो तरीके से इम्प्लाइज डेट, अगर हम LHS लिखते जाते ना LHS इक्वल टू, तो यहाँ पे इम्प्लाइज डेट लगाना है। अगर हम LHS नहीं लिख रहे यहाँ पे तो सिंपली इक्वल टू लगा के बनाते जाना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ? ये हो जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। देख तो ये इसका होल स्क्वायर है tan थीटा प्लस cot थीटा का। हाँ। तो यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आंसर सीधा क्या आएगा tan थीटा प्लस इस तरीके से भी पर बन जाता, मतलब sec थीटा को तोड़ देने पर। क्या sec थीटा को कैसे, sin by cos में 1 by cos ऐसे करके? हाँ नहीं बोला हो जाता ना सर, 1 by sin थीटा cos थीटा, और फिर सर वो सॉल्व होने पर यही आ जाता tan थीटा प्लस cot थीटा। कोई नहीं, बस बोल तो रखे हैं, एक क्वेश्चन को बनाने के हजार तरीके हैं, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। एक ये तुमने बोला, ये मैंने बताया, किसी का कोई और प्रोसेस होगा अभी भी इसको बनाने में, ठीक है चलेगा, बट सब कुछ हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। आ रहा है समझ में? बुकलेट भेजे हैं इसका ना तुम लोग को? हाँ सर। हाँ?
नाइन रीट। मिड टर्म कब से है जी तुम लोग का? किसी के स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन? कभी भी हो जाता है सर, जल्दी होगा, जल्दी ही होगा। होमवर्क दे दे कुछ, इसमें तो देना पड़ेगा, मन मार के भी हमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं करके आओगे तो फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा आइडेंटिटी सॉल्व करने में। तो सर आप एनसीईआरटी का होमवर्क दिए है ना? अच्छा यस सर, भूल गया था, लेकिन जो बना लिया वो क्या करेगा फिर? सर फिर से बना लेंगे। अच्छा चलो ठीक, पार्टी करेगी यार, खाने के लाले पड़े रहते तो लोग पार्टी करते रहता है यार। हम नहीं बनाए, हम नहीं करेंगे पार्टी, जो बनाया है वो करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अगले क्लास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना लेना, उसमें पहला एक दो क्वेश्चन ना थोड़ा एग्जांपल होगा, जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना उस एक्सरसाइज का, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी दे रखा है, तो उसका एग्जांपल भी जरूरी है, एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज कर लेना, जितना बनता है उतना बनाना, कोई प्रेशर नहीं है तुम लोग के ऊपर। नहीं बनेगा उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे, दो क्लास अभी और लेंगे इस पे, फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे, वो बहुत छोटा चैप्टर है क्वाड्रेटिक, जिसमें तुम लोग को हमको मिडिल टर्म तो पढ़ाना ही नहीं है, ये सबको आता ही है ना मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना। यस सर। एक टॉपिक तो मेरा ऐसे ही निकल लिया, तुम लोग चिल आदमी है यार, तुम लोग को पढ़ाने में झंझट थोड़ी होता है सर। हाँ बोलो सर, प्लीज ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद जो नाइन्थ का बचा है वो करा दीजिएगा। क्या बच गया है बताओ ना सर? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, भले छोटा छोटा चैप्टर है लेकिन पहले क्वाड्रेटिक कर लो, उसके पीछे रीजन मैंने बता रखा है ना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बार ग्राफ भी बचा है, बैठ तू, अब बोल बार ग्राफ पढ़ा दीजिए सर, और क्या बोलते उसको, पिक्टोग्राफ पढ़ा दीजिए, मारेंगे कंस्ट्रक्शन पढ़ा दीजिए। सर मैं मजाक कर रहा था सर, आप ही सर गजब हो जाते, सीरियस हो जाते तुरंत ही। अबे सीरियस नहीं, मैं भी मजाक में बोल रहा हूँ, तू गजब बात करता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स, हां ये सर, उसका भी बैकअप नहीं मिला। अरे इसका बैकअप, ये तो हट गया तुम्हारे सिलेबस से वो, तो अभी भी सर, तो सर पहले क्वाड्रेटिक, फिर कभी नहीं आएगा आफ्टर आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम वो सब कुछ पढ़ा देंगे। क्वाड्रेटिक जरूरी है पढ़ाना तुम लोग को, समझ क्यों नहीं रहा है? इसी के चलते तुम्हारा वो हायर क्लासेस का सब कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक क्या ये तीन पढ़ा दिए, एपी, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद क्या होगा हायर क्लास में? उसके बाद उससे रिलेटेड चीजें तुम लोग को समझ में आ जाएगी, जैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का सिंपलेस्ट तरीका बताना है, उसका एक फॉर्मूला होता है वो सब बताना है, ठीक है? वो सब नहीं बताएंगे। क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ेंगे? वो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, सब कोई पढ़ रखा है वो तो पता है सर, वो तो पता है सर, मोहित सर पढ़ाए हैं। तेरी फिर तो चिल है अपना, और क्या चाहिए जिंदगी में? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नो सर, वो क्या है? अच्छा वो ध्यान में नहीं, ठीक है दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से। सर फिजिक्स का क्लास अगले संभावना है क्या? अगले वीक से मोस्ट प्रोबेबली लगने लगेगा, क्योंकि सौरभ सर से मतलब बात तो यार कर तो सकते हैं, बातचीत करने में क्या ही है, बट अगर सौरभ क्लास, सौरभ सर ले लेंगे ऐसा बोले थे वो, ठीक है कुछ कर नहीं सकते।